नमस्ते, प्रणाम, वंदन। आप देख रहे हैं आजाद भारत की आवाज़ न्यूज न्यू इंडिया चैनल के साथ। दोस्तों, जनपद बहराइच के जरवलरोड में स्थापित आईपीएल चीनी मिल के बिल्कुल बगल में पारा परशुरामपुर गांव के अंतर्गत ये भूमि पड़ती है, जहां पर सृजन मछली फार्म का भव्य तरीके से जो है पूजन करने के उपरांत आज से शुभारम्भ किया गया है। मेरे बीच में जो है आदरणीय गौरव भैया मेरे बीच में मौजूद हैं। आदरणीय अरुण जी हमारे इस क्षेत्र के युवाओं के एक आइकॉन हैं जी, और जिस प्रकार आज विभिन्न क्षेत्र में किसान अपने बहुआयामी उसमें अपने उद्योग और इन सब कुछ से जोड़कर अपने काम स्थापित कर रहा है, युवाओं के लिए आइकॉन बनके इन्होंने भी इस ग्रामीण परिवेश क्षेत्र में एक अच्छा उद्यम लगाने जा रहे हैं, और जिससे एक अच्छा रोज़गार का अवसर भी लोगों को प्राप्त होगा और साथ ही साथ लोग यहाँ के लोगों को सुविधा भी मिलेगी। तो आपका भी आशीर्वाद मिलना चाहिए, क्या देना चाहिए? ये अरुण श्रीवास्तव जी द्वारा जो ये यहाँ पर मछली पालन का काम शुरू किया है या इसका शुभारंभ हो रहा है, तो इस अवसर पर मैं यही कहना चाहूँगा कि एक क्षेत्र में बहुत ही सराहनीय काम आपने किया है और इससे तमाम लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, एक उनको दिशा निर्देश भी मिलेगी। तो इस क्षेत्र में अपने जो योगी मोदी की सरकार है और इनका उद्देश्य भी है कि बेरोज़गारी को दूर करना, नौजवानों को रोज़गार देना, उसी के अंतर्गत यह अरुण श्रीवास्तव जी ने जो काम किया है बहुत अच्छा काम किया है, इससे तमाम लोगों को काम मिलेगा, रोज़गार मिलेगा। अरुण भैया क्या कहना चाहेंगे, आज काफ़ी लोग आपके बीच में, तो धन्यवाद के तौर पर क्या कहेंगे भैया? सभी को धन्यवाद। ये हमने सृजन फिश फार्मिंग के नाम से ये हमारा मछली उद्योग का नया व्यापार है जी, तो जिसमें सभी का सहयोग और सभी का सहयोग अपने मित्रों के द्वारा ये कार्यक्रम हमने चालू किया है और ये बहुत जल्दी ही चालू होगा, जिससे हमें अपने ये ग्रामीण अपने कस्बा अपने एक नई मछली उत्पत्ति की दी जाएगी, इसलिए सभी को धन्यवाद। देखिए, आपने धन्यवाद भी ज्ञापित किया है और आज से भूमि पूजन करके इसका शुभारंभ किया गया है। देख रहे लाखों सोशल मीडिया से जुड़े हुए साथियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, और श्रीवास्तव जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि इस काम से जैसा कि आप लोगों ने कहा है कि इस फार्म के शुरू होने से तमाम नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा। न्यूज न्यू इंडिया से अशोक मिश्रा बहराइच। आज हम आपको दिखाएंगे जनपद बहराइच के कैसरगंज तहसील क्षेत्र के अंतर्गत जरवल रोड आईपीएल चीनी मिल के बिल्कुल निकट जो पारा परशुरामपुर में पड़ता है, यहाँ पर सृजन मछली फार्म का आज विधिवत भूमि पूजन किया जा रहा है। तस्वीरों में इस वक्त आप देख रहे हैं अरुण कुमार श्रीवास्तव जो इसके प्रोप्राइटर हैं और साथ में बीच में बैठे हुए हैं ओम प्रकाश अवस्थी तथा मौजूद हैं मुख्य अतिथि के रूप में गौरव वर्मा। मैं सामने अब आपको तस्वीरों में ले जा रहा हूं, ये आप देख रहे हैं विशाल तालाब की खुदाई का काम शुरू हो चुका है। अब आप देख रहे हैं यहां तस्वीरों में जो प्रोप्राइटर हैं अरुण कुमार श्रीवास्तव ने विधिवत पूजा अर्चना का काम शुरू कर दिया है और जो पुजारी मौजूद हैं रवि शंकर महाराज जी विधिवत इस भूमि का पूजन करा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं यहां पर जल व फूल चढ़ाने के उपरांत आप देख रहे हैं जो प्रोपराइटर हैं अरुण कुमार श्रीवास्तव वो आरती उतार करके भारत माता के जय घोष करते हुए धरती का पूजन कर रहे हैं। दोस्तों, इस वक्त तस्वीरों में आप देख रहे हैं प्रोपराइटर यहां पर विधिवत पूजा अर्चना के उपरांत अब गौरव वर्मा जो भारतीय जनता पार्टी से विधानसभा संयोजक हैं वो भी इस शुभारंभ के मौके पर भूमि पूजन के मौके पर वो मौजूद हैं और उन्होंने आरती उतार करके धरती माँ का आशीर्वाद लिया। और अब आप तस्वीरों में देख रहे हैं नीरज कुमार श्रीवास्तव जो भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी हैं साथ में मौजूद हैं। दोस्तों, साथीगण प्रधान सम्मानित लोगों की तस्वीरों को आप देख रहे हैं यहाँ पर जो प्रोपराइटर हैं वो तालाब का अवलोकन करा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं दोस्तों लगभग 5 बीघा में पहली बार जरवलोड में मछली पालन का भव्य फार्म हाउस स्थापित किया जा रहा है। इस वक्त तस्वीरों में आप देख रहे हैं, मैं बाहर से अब आपको फार्म हाउस की पूरी पिक्चर को मैं आपको दिखा रहा हूं जो लगभग 5 बीघे में बना हुआ, खुदाई का काम निरंतर चल रहा है। दोस्तों, तस्वीरों में आप देख रहे हैं इस वक्त आए हुए मेहमानों को अवलोकन करा रहे हैं प्रोपराइटर अरुण कुमार श्रीवास्तव यहाँ पर, और कुछ साथी मौजूद हैं, सम्मानित लोग मौजूद हैं जिन्हें तालाब के बारे में विधिवत
बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं अरुण कुमार श्रीवास्तव कि कैसे इस फार्म हाउस में मछली का पालन होगा। उसके बाद आगे चलकर के बहुत कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो इस ऐतिहासिक सृजन मछली फार्म हाउस पर स्थापित होगा। दोस्तों आप तस्वीरों में देख रहे हैं, मैं धीरे धीरे करके अब आपको उस मशीन की ओर ले जा रहा हूं, जेसीबी मशीन, जिसे लोग प्यार से बाबा का बुलडोजर भी कहते हैं। और यहां पर आप देख रहे हैं जेसीबी मशीन से खुदाई का काम निरंतर चल रहा है। दोस्तों लगभग 5 या 6 फीट का ये गड्ढा तैयार होगा और उसके बाद यहां पर एक से एक प्रकार की मछलियां इस तालाब में मौजूद होंगी। दोस्तों सभी सोशल मीडिया के साथियों से निवेदन है कि इस वीडियो को आप निरंतर लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए। और ये आप सभी रिपोर्ट देख रहे हैं देवी पाटन मंडल का सबसे बड़ा चर्चित यूट्यूब चैनल न्यूज न्यू इंडिया के साथ आप देख रहे हैं, जहां पर सृजन मछली फार्म हाउस का विधिवत पूजा अर्चना के उपरांत ही खुदाई का कार्यक्रम चल रहा है। दोस्तों तस्वीरें आप बिल्कुल सीधे देख रहे हैं जर्वल रोड से। धन्यवाद।